तो ये है साउंडकोर R50i ईयरबड्स। इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आज के इस वीडियो में इसे डिटेल में रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे। लगभग पिछले 5-6 दिनों से मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे ये कुछ यूनिक फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि इसमें आपको 22 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, जो अंडर 2000 में कोई भी TWS आपको ऑफर नहीं करता। वैसे अभी इसकी प्राइस 1500 रुपए है, जो नॉर्मली 2000 से 2200 रुपए के सेल होते हैं, और मैं भी इसे 2000 रुपए की प्राइस के हिसाब से ही जज करूंगा, क्योंकि सेल के बाद इसकी प्राइस फिर से 2000 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इसके क्विक अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले हमें मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद ईयरबड्स की केस जिसमें आपको इसे हुक करने के लिए एक स्ट्रैप भी मिलता है, इसके अलावा एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स। ये सारा बॉक्स कंटेंट आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहले तो आपको इसके साथ एक स्ट्रैप मिलता है, जिसे आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो। कुछ इस तरह का इसका डिजाइन है, हाथ में पकड़ने पर काफी प्रीमियम फील होता है। कंप्लीट मैट फिनिश इस पर आपको मिलेगी, साथ ही अच्छी क्वालिटी का हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। इसके अलावा इसके हिंजेस की क्वालिटी भी बेस्ट है, कहीं से भी ये लूज नहीं लगते। ऊपर की साइड पर आपको इसका लोगो मिलेगा, यहाँ पर एक LED इंडिकेटर, पीछे की साइड एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पर आप इसके स्ट्रैप को हुक कर सकते हो। सो ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी मुझे सही लगी। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो ये फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं। इस पर आपको ड्यूअल टोन फिनिश देखने को मिलता है। केस से भी बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मुझे इसके ईयरबड्स की लगी। फिनिशिंग भी एकदम प्रॉपर है, कहीं पर भी आपको कोई भी गैप नहीं दिखेगा। साथ ही IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो नॉर्मल पानी वगैरह में भी यूज कर सकते हो। इसके फिटिंग को लेकर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। देखो, लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन पर्सनली मुझे इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी बेस्ट लगी। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अब जल्दी से एक बार इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो याद है 10mm के डायनेमिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, सिंगल ईयरबड्स कनेक्टिविटी, डुअल माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम, और ओवरऑल 30 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो, इसके कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स भी है। जैसे कि इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर का फीचर नहीं मिलेगा। ईयरबड्स को केस के बाहर निकालते हो तब ये पेयर हो जाते हैं। इसके अलावा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलता, और सिर्फ 2 ही माइक्रोफोन्स इसमें दिए गए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट, इसमें आपको 22 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, जो आपको कोई भी ईयरबड्स ऑफर नहीं करते। सो ओवरऑल इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो इसमें आपको साउंडकोर एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट ईयरबड्स की बैटरी इंडिकेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें टोटल 22 इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे। साथ ही इसके सिग्नेचर मोड में एक्स्ट्रा बेस को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से टच कंट्रोल्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस और गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। वैसे अगर आप इसके गेमिंग मोड को ऑन करते हो तो इसके इक्वलाइजर मोड्स को यूज नहीं कर सकते। सो ओवरऑल इसके एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी की। तो सबसे पहले इसके माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो, 2 ही माइक्रोफोन इसमें आपको मिलते हैं, तो उस हिसाब से इसकी कॉलिंग को जज कर सकते हो। वैसे इंडोर्स में मुझे इसकी कॉलिंग डिसेंट लगी, लेकिन आउटडोर्स में उतना यूजफुल नहीं है। अगर आप हेवी ट्रैफिक वगैरह में हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल सेम प्राइस में इससे भी बेस्ट कॉलिंग वाली ईयरबड्स आपको मिलते हैं, तो कॉलिंग के लिए मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। सो ओवरऑल इसकी कॉलिंग के लिए मैं इसे दूंगा 3 out of 5 star। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो डेडिकेटेड गेमिंग मोड का ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, लेकिन इसकी लेटेंसी को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो देखते हैं एक्चुअल में कितनी लेटेंसी इसमें मिलती है। सो देखो, लेटेंसी ठीक ठाक है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग अब इसमें नहीं कर सकते, कैजुअल गेमिंग के लिए सही रहेंगे। सो ओवरऑल इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी के लिए मैं इसे दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इसकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इसके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल प्लस वोकल्स, और लास्ट में बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolved.
तो देखो अभी अपनी इसकी ऑडियो को सुन लिया है तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग चुका होगा। पर्सनली मैंने जितना इसे यूज़ किया है उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है। इसके वोकल्स की क्लियरिटी भी अच्छी है। इंस्ट्रूमेंटल पार्ट को लेकर भी मुझे ज़्यादा इशू नहीं लगा। वैसे इसमें 22 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 4-5 ही यूज़फुल लगे, बाकी कुछ इतने खास नहीं है। लेकिन अगर बात करें बेस की तो बेस इसमें आपको काफ़ी पंची और हेवी सुनने को मिलेगा। इसमें बेस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बेस की क्वालिटी अच्छी है। सो ओवरऑल इसकी ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो सिर्फ 1500 रुपये की प्राइस में अभी अमेजोन पर मिल रहे हैं। ऑडियो क्वालिटी के लिए इस प्राइस में आप इसे परचेस कर सकते हो लेकिन सेल के बाद इसकी प्राइस 2000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या तब भी इसको परचेस करना चाहिए? तो देखो 2000 की प्राइस में इनसे ज़्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी और फीचर्स वाले ईयरबड्स फिलहाल आपको मिल जाएंगे। तो 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक इनकी फेयर प्राइस है। इस प्राइस में डेफिनेटली इन्हें परचेस कर सकते हो। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थे साउंडकोर R50i। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।